सृष्टि रूपी वृक्ष को अभी जान गए हो ना अच्छी तरह से, क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि वृक्ष वैरायटी है, अनेक धर्म और अनेक ही हरेक धर्म का हरेक अपना अपना, तो ये सब वैरायटी संसार कहा जाता है, एक न मिले दूसरे। तो ये संसार अभिवृद्धि को पाकर कर सके, अभी फिर ये वृद्धि भी तो कम होगी ना, कई चीज बढ़ती है, तो बढ़ती है तो फिर उसको उसकी एंड भी होनी है। ऐसे नहीं है कि ये वृद्धि होते 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 वृद्धि ही चलती रहेगी, नहीं, जो चीज बढ़ती है उसको फिर घटना भी है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी सारी चक्कर को अभी बुद्धि ने समझा है और अभी जानते हैं कि ये वृद्धि को पाया हुआ वृक्ष अभी इसकी एंड चाहिए। ऐसे नहीं है कि अभी और आगे वृद्धि होती चले, नहीं, अभी वृद्धि को पा चुका है, अभी इसका अंत होकर करके फिर नई दुनिया कहो या वो सुख की दुनिया कहो, जिसमें फिर संख्या थोड़ी। अभी जब वृद्धि को पाता है तो संख्या बहुत है, और जब वृद्धि को पाना होता है तो दुख भी वृद्धि को पाता है। जब संख्या थोड़ी है, जिसको सतयुग कहा जाता है, तब फिर ऐसा नहीं कहेंगे कुछ ही टाइम फिर सुख की दुनिया है। तो ये सभी चीजें अभी बुद्धि में है, इसीलिए अभी ये वृद्धि को पाया हुआ दुख को ही बढ़ने का है, लेकिन ये जब वृद्धि पूरी होगी तो ये दुख का भी अंत का समय पूरा रहेगा और फिर सुख की दुनिया। और उसमें जरूर है कि ये धर्मों की और इतनी संख्या की वृद्धि जो पीछे पीछे हुई है, तो जरूर है ये इतने अनेक धर्म भी तो फिर नष्ट होंगे ना, फिर इसके नाम निशान नहीं होंगे। तो ये सभी चीजें कैसी वृद्धि को पाती है, ऐसे नहीं कहेंगे कि शुरू से ही सब कुछ है, नहीं, अगर शुरू से होता तो फिर अपना अपना टाइम नहीं देते। देखो ये क्रिश्चियनिटी है तो उनका भी टाइम है ना भाई, इसको 1965 बरस हुए अभी, तो जरूर है शुरू जो चीज हुई है इतने बरसों से, फिर उनका कुछ टाइम भी होगा जहाँ पूरा होगा। ऐसे नहीं चली है तो चलते ही रहेंगे, या कहेंगे शुरू से ही है सब, नहीं, सब शुरू से होते तो उसका अंदाजा क्यों गिरे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि दुनिया की शुरुआत 1965 बरस से हुई है, दुनिया को तो कहते हैं बहुत काल से, लेकिन ये धर्म का टाइम है भाई, ये क्रिश्चियनिटी कब से चालू हुई भाई, इतने टाइम से, ये बुद्धिज्म धर्म कब से चालू हुआ भाई, इतना टाइम, ये इस्लामी धर्म कब से हुआ भाई, इतना टाइम, तो टाइम है ना उनका, तो उसका मतलब है इसके पहले ये चीजें नहीं थी। तो ये जो चीजें नहीं थी हुई है, फिर इसको न भी होना है ना, ऐसे नहीं है हुई है तो फिर चलती चलेगी, नहीं, जैसे शुरू हुई है उनको पूरा भी होना है, तो पूरा होने का भी तो समय होगा ना, टाइम होगा। तो अभी ये सभी चीजें बुद्धि में है कि उनका टाइम भी अभी आकर करके पूरा हुआ है, और सबका एक साथ टाइम पूरा होता है। ऐसे नहीं है कि इस्लामी धर्म का पूरे होने का अपना टाइम है, फिर बुद्धिज्म पूरा होना एंड सब की है, लेकिन शुरू होना अपने अपने टाइम पर है। जैसे वृक्ष का, इसीलिए इसकी सृष्टि की, मनुष्य सृष्टि की मुशाबत वृक्ष के साथ, क्योंकि वृक्ष में जैसे डाटा टारियां अपने अपने टाइम पर आती हैं, परंतु वृक्ष की सारे की आयु पूरी होगी तो एक साथ हो जाएगी, सब डाटा टारियां या जड़ जो भी है, सब फाउंडेशन सबका एंड होगा तो एक साथ होगा, और शुरू होगा तो अपने अपने समय पर होगा। इसीलिए गीता में भी इस मनुष्य सृष्टि की मुशाबत वृक्ष के साथ की गई है, इसीलिए कि वृक्ष की जिस तरह से उत्पत्ति अपने अपने टाइम पर, यानी उनकी वृद्धि जो होती है अपने अपने समय पर, वृद्धि एक साथ नहीं होती है, ऐसा नहीं सारा झाड़ जो है एक साथ निकल आता है, नहीं, पहले जड़ पीछे डार पीछे डार पीछे टारिया पीछे जो टाइम, तो अपने अपने समय पर, लेकिन फिर एंड होती है एक साथ, क्योंकि वृक्ष की आयु पूरी होगी तो सारे की होंगी, ऐसे नहीं पीछे
तो आपकी धारियों की यहाँ नंबर वार ऐसे होंगी ना, एक साथ होंगी। तो ये सभी चीजें भी बुद्धि में रखने की है कि ये मनुष्य सृष्टि का भी उत्पत्ति या उनका कहे वृद्धि होना और फिर उसका अंत होना ये उसी तरीके से है जैसे वृक्ष का है। इसीलिए वृक्ष के साथ इसका यहाँ भी अपना दिखलाया हुआ है वृक्ष का झाड़ के ऊपर कि वृद्धि ऐसे होती है जैसे वृक्ष की होती है और एंड भी जैसा वृक्ष का होता है, तो एक ही साथ। तो अभी ये हाँ आकर कर करके सारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष मानो जर्जरी भूत अवस्था को पहुंचा हुआ है अभी इसकी एंड। तो इसीलिए फिर एक साथ सबका, सभी धर्म, सभी जो कुछ है अभी सबकी एंड। और सभी धर्म वाले भी मानते हैं, देखो मुसलमान भी अपने क्यामत को मानते हैं, वो भी समझते हैं अभी हमारा क्यामत का समा है। और अंग्रेज लोग ये क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं अपना सीग्रीगेशन, तो वो भी समझते हैं, उनके भी हिसाब से अभी उनका टाइम है, वो अपना बतलाते हैं 2000 बरस की एज, तो हमारी क्रिश्चियनिटी का टाइम इतना है, तो उसमें बाकी देखो थोड़ा टाइम। और हिंदू भी परलय नाम तो लेते, लेकिन वो परलय समझते हैं एकदम परलय हो जाएंगी, को परलय का मतलब ये नहीं है कि एकदम से नाश हो जाएंगे, नहीं, ये सृष्टि कभी बिल्कुल नाश होती नहीं है, मनुष्य सृष्टि अनादि है, बाकी इसी तरह से वृद्धि को पाती है और इसी तरीके से फिर कम पड़ती है। तो अभी वृद्धि को पा करके अभी आप पूरी हुई है, बाकी भी छोटा थोड़ा बहुत वृद्धि को, आप भी देखो स्पीड चल रही है ना वृद्धि की बहुत तेजी से, जितना भी बाकी पा रही है पाने की है वो पा रही है, बाकी यहाँ एंड भी निशानी भी आ गई है, लाल फ्लैग एकदम अभी मौत का, कि अभी यहाँ इसको अभी दुनिया का अंत आ चुका है। तो निशानियां सब खड़ी है, दिखाई पड़ती है नी अच्छी तरह से, कि अभी नजर नहीं पड़ती है कि दुनिया का एंड की ये निशानियां है, और इधर हमारे वृद्धि का भी अंत का समय का अभी टाइम आकर करके पहुंचा है। तो ये सभी नजर पड़ती है नहीं अच्छी तरह से, कि अभी नहीं समझ में आते हैं कि नहीं ये तो दुनिया का चला ही आया है वैसे ही चलता चलेगा, नहीं ये दुनिया का अभी चेंज होने का है, दुनिया तो चलती चलेगी ऐसे नहीं, दुनिया नहीं होगी लेकिन दुनिया का परिवर्तन भारी है अभी। तो ये सभी चीजें बुद्धि में रखने के उस अनुसार अभी क्या होने का है, उसके लिए हमको क्या करने का है, वो उपाय बैठ करके अभी बाप समझाती है। ये जो कहा है कि मैं आता हूँ सत धर्म स्थापन करने के लिए, तो बाप ने कौन सा धर्म स्थापन किया ये कोई जानता नहीं, भले भारतवासी गाते हैं गीता में कहते भी हैं और भाई आया है अधर्म नाश करके सत्य, पर तो कोई बता थोड़ी सकते हैं कि भगवान ने कौन सा धर्म स्थापन किया। अगर पूछा जाए भाई क्राइस्ट ने कौन सा धर्म स्थापन किया तो बहुत बता भी देंगे, हाँ भाई क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, भाई बुद्ध धर्म बुद्ध ने स्थापन किया, इस्लामी धर्म फलाने ने स्थापन किया, अपने धर्म स्थापक का नाम बताएंगे। लेकिन परमात्मा ने जो कहा कि मैं आकर करके धर्म स्थापन करता हूँ उसका नाम क्या है कोई बताए लेकिन जानते नहीं है, अभी अपन समझते हैं कि उसने ये देवी देवता धर्म की स्थापना की। तो देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, स्वयं परम पिता परमात्मा ने आकर करके देवी देवता धर्म स्थापन किया, और उसी टाइम पर ही दुनिया स्वर्ग थी। दूसरे जब भी धर्म आए हैं तो दुनिया स्वर्ग तो नहीं है ना, तो स्वर्ग का टाइम है जब देवी देवता धर्म था और परमात्मा ने आकर करके वो धर्म की स्थापन किया और धर्मों का नष्ट। तो जरूर है कि विनाश करे तभी तो स्थापना और ये काम उनका ही हो सकता है, इसीलिए उसको लिबरेटर कहा ही जाता है, एक है, बाकी जो भी धर्म स्थापक है उनको लिबरेटर, क्योंकि वो कोई वापस नहीं ले जाते हैं, वो तो आते हैं संख्या को बढ़ाते हैं, वो आने से उनकी संख्या बढ़ती है, और बाप आता है तो संख्या को वापस ले जाते हैं सबको, और फिर वो बाकी संख्या उनकी जनरेशन चलती है जो सदा सुखदायी बनती है। तो ये हिसाब भी सारा समझना है वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड की सारी कैसी जनरेशन चलती हैं और ये कैसी उत्पत्ति होती हैं, इसका एंड कैसे होता है, अभी कौन सा टाइम है, तो ये अभी वो चेंज आने का समय है। ये सब जो धर्म पहले नहीं थे फिर तो नहीं होंगे ना, फिर भी तो अपने टाइम पर फिर क्राइस्ट आएगा, फिर ये क्रिश्चियनिटी स्थापन करेगा, लेकिन अभी न होवे तभी तो फिर अपने टाइम पर हो ना। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट भी होती है, अपने अपने टाइम पर फिर सबको आना है, ये रिपीट भी कैसे होती है और इसका शुरू होना हर एक चीज का फिर अपने टाइम पर पूरा होना
तो ये सारी हिस्ट्री को समझना है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी समझना है, उसके साथ इंडिविजुअली हम आत्मा का भी सारा चक्कर कैसे चलता है, इन सब बातों को समझना है। बाकी ऐसे नहीं है कि बस आया गया खाया पिया चलो मरा जन्मा ये चलता ही रहता है, नहीं, ये सभी हिसाब से कैसी बातें चलती हैं उनके हिसाब को भी समझना है ना। इसीलिए बाप बैठकर करके समझाते, इसको भी समझाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसके जानने से हमें पता चलता है कि हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म अथवा हमारा सबसे श्रेष्ठ कर्म की प्रालब्ध कौन सी है। तो तभी तो पालो पता है ना कि सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा था, भाई वही देवी देवता, उनके कौन से लक्षण है, वो कौन आकर के बनाता है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ रहा है, तो वो बेहतर करके बाप समझाते। अभी हम उनका सौभाग्य पाते हैं, हम कोई यहाँ क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं, हम कोई और नहीं, ये हम वही सौभाग्य पाने के लिए जो सत्य धर्म परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया है वो अभी अपना काम कर रहा है। ये कोई धर्म स्थापित मनुष्य का काम नहीं है, ये अभी परम पिता परमात्मा का, वो आकर कर करके जिसने आकर करके दुनिया के ऊपर एक धर्म और एक राज्य बनाया है और बाकी राज्य और धर्म सब नष्ट किए, ये उनका भी काम चल रहा है। तो ये बुद्धि में होना चाहिए कि ये अभी कार्य उनका हो रहा है जो अथॉरिटी है, जिसको वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है, वो अथॉरिटी का काम, और वो ही अभी वापस ले जा रहा है, जो इस संख्या को ले जाएगा। नहीं, आत्माएं भी तो इमॉर्टल है ना, नहीं तो आत्माएं किधर जाएंगी, इतनी आत्माएं आई है तो फिर अपने ठिकाने भी जाएंगी ना, जहां से आई है तो उसको घर भी पहुंचाना है, नहीं पहुंचाएगा कौन, पहुंचाने वाला वो है। इसीलिए परम पिता परमात्मा के द्वारा, उनके द्वारा और कोई पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि उनके लिए ले जाने के लिए पावरफुल सोल चाहिए ना, वो सबसे है सुप्रीम सोल, इसीलिए उनको ही वापस ले जाना है। तो इसीलिए आकर करके बाप देखो फिर जिसको गति सदगति, अभी बहुत थोड़ी समझते हैं कि गति सदगति भी किसको कहा जाता है। अभी गति सदगति का मतलब ही है कि आत्माओं को वापस ले जाना, तो देखो वापस ले जाते हैं और फिर अपने अपने टाइम पर अपने अपने समय पर आएंगे, नंबर वा और तो पहला नंबर उनका, इसीलिए नंबर पर आने के लिए पहले नंबर में देखो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छी तरह से पुरुषार्थ में लगे हो ना, अपना समझते हो नहीं कि हम किस लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसके ऊपर मनुष्य के लिए कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, ऊंचे में ऊंचा पुरुषार्थ, मनुष्य को ऊंचे में ऊंचा बनाना, ये है उस परम पिता परमात्मा का काम। तो इसीलिए देखो बाप हमको ऐसा मनुष्य बनाता है, है तो मनुष्य, ऐसे नहीं है मनुष्य का बनाने का मतलब है हमारा काम नाक और ये बनाता है, नहीं, लेकिन हमारी स्टेज वो ऊंची बनाता है ऐसा, इसीलिए कहते हैं मैं मनुष्य को देखो ऊंचे में ऊंचा बनाता हूँ। बाकी ऐसे नहीं हमारी आंखें कान नाक ये बैठ करके बनाता है मट्टी से, जैसे समझाते हो बोता बनाया फिर स्वास्थ्य का, नहीं, हम एकदम बोते हो गए, नहीं खाली हो गए एकदम, हमारे से वो निकल गई थी बल, अभी बाप आकर करके फिर बल डालता है जिससे हमारी लाइफ फिर वो ऊंची बनती है। तो ऊंचे में ऊंचा मनुष्य, इस मनुष्यों के ऊपर कोई ऊंचा है ही नहीं, इसीलिए हमको वो बनाता है जो मनुष्य में ऊंचे मनुष्य, सबसे ऊंचे मनुष्य कौन से, हाँ यही जिसमें एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी, कभी कोई यार दुख है ही नहीं, कभी चलते हो नहीं उधर, ये ख्याल पक्का है ना, तो पक्का ख्याल रखो, इरादा मजबूत रखो और अंत मते सोगते है, जैसा जैसा इरादा वैसी वैसी, यहाँ कहा जाता है अंत मते सोगते, ऐसी गति को पाएंगे। तो ऐसा अपना धारणा बनाते रहो और उसके लिए अपना ये पुरुषार्थ है अथवा कर्म है, कर्म करना है, ड्रामा पे मूझने का नहीं है, कर्म करना है, बाकी ड्रामा तो समझा नहीं, नंबर वार ये कैसा है ड्रामा, इसको क्यों भाई नाटक है जैसा, ये कैसा खेल है, शुरू कैसा होता है पूरा कैसा होता है, बीच में ये बाय प्लॉट्स कैसे आती हैं, कहानी एक ही है शुरू से लेकर करके, भारत का प्राचीन जो धर्म था वो जब गिरता है तो पीछे दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, उसको कहेंगे बाय प्लॉट्स, नाटक एक ही है, जैसे कहानी होती है नहीं, कहानी एक ही होती है भाई, एक राजा ये है फिर वो राजा का कैसा राजा ही चली गई है, फिर पीछे दूसरों ने आकर करके उसके ऊपर विन किया ये किया वो, ऐसे कहानी में चलता है ना। तो ये भी ऐसे पहले पहले हमारा एक राज एक धर्म था, जब उसकी पावर कम हो गई तो फिर आप दूसरे धर्म आए, फिर उनकी कुछ पावर ने काम किया, ऐसे चलते 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 फिर आप अंत आती है, फिर सभी धर्मों का भी एंड होता है
फिर बाप आकर के फिर वही प्राचीन अपना आदि सनातनी धर्म की स्थापना करती हैं। तो कहानी उनकी है और बीच में ये सभी बॉय प्लॉट्स आते हैं तो नाटक हो गया, नहीं ड्रामा हो गया ना, और फिर पूरा होकर के फिर रिपीट होता है, इसीलिए उनको कहते हैं कि ये बना बनाया है। परंतु बना बनाया जिस नेम से है, हमको तो उस नेम पर चलना है ना, हमको करना तो अपना कर्म है ना, वो खाली नाटक समझना है बुद्धि में, भाई ऐसा नाटक है, बाकी ऐसे नहीं है, उसमें करना एक्शन एक्ट में तो हमको आना है ना, तो वो तो हमको अपना कर्म करना ही है, हमको अपना सारा मदार उसी के ऊपर रखने का, समझा। अच्छा आज भोग है इसीलिए टाइम थोड़ा बचाना पड़ेगा, नहीं अब एक्टर्स हैं, लेकिन इस एक्टर्स का ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, वो एक्टर्स को मालूम तो होना चाहिए ना, हमारा पार्ट क्या है, हम क्या बने हुए थे, अब कहाँ पहुँचे, ये सभी बातों का नॉलेज होना चाहिए। तो बाप बेहतर करते अभी समझा समय पर गोपी गोपिया का हुआ अथवा गोपी वल्लभ बाप भी अभी है और गोप गोपियां भी अभी हैं और अपना सौभाग्य बाप से ले भी अभी रही है, तो उसमें आ अपने की कोई आ कमी नहीं डालने की, पूरा अटेंशन देना है और पूरा पुरुषार्थ करना है, कह तो यही है, बाकी यार थोड़ी थोड़ी तकदीर किया, थोड़ा धनवान बना, थोड़ा ये हुआ, थोड़ा ये हुआ, तो क्या हुआ, कम्प्लीट तकदीर, तो तकदीर तो तकदीर, जैसा चाल ऐसा किया है नहीं पक्का, तो इतने ख्याल थे और इतने दृढ़ता थे, हटना नहीं है और उसमें पूरा फिर चलना भी है, उस बनने के लिए उस पाने के लिए जो कुछ करना है वो तो करके रहना पड़ेगा, लग जाओ तो अपनी शक्ल दिखलाई है, तो अभी आओ बनने का पुरुषार्थ रख रहे, कैसे रख रहे हो ना इसी तरह से। अच्छा बाप दादा और माली मीठे मीठे मीठी हो ना, की करवी पक्का मीठी, अच्छा ऐसे मीठे मीठे सभी लेते सबूत बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग और सब टाइम गुड रखने का पूरा ख्याल रखते हो ना, कोई माया बैठ का संग नहीं करना, संभलते रहना, ना कोई क्रोध ना लोभ ना मोह ना अहंकार, अहंकार की तो पहले ही खबरदारी रखने की है, इसीलिए इन सब बातों को संभालते रहना, कोई भी ऐसा बुरे इनका माया का संग नहीं करना है, इसी संग से बचते रहना, तो बचते रहते हो ना, अरे लोग तो होता है क्यों, लोग होना है शुद्ध, बाकी क्या, बाकी तो शरीर निर्वाह का तो काम करना ही है ना।